दिल्ली में 9 साल की बच्ची की हत्या के मामले में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश की और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की, जिसके लिए बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता मार्च करते हुए मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ते रहे। परिवार को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। मुख्यमंत्री के घर से कुछ दूर पहले ही बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ के सामने बैरिकेड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। पुलिस वालों की गिनती कम थी, इसलिए बैरिकेडिंग गिरते ही भीड़ आगे बढ़ गई, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर पुलिस ने एक और स्तर की बैरिकेडिंग की हुई थी। प्रदर्शनकारी जब बैरिकेड गिरा नहीं पाए तो उनके ऊपर चढ़कर नारे लगाने लगे। सब जगह जाकर पैसे बांटते हैं, इस परिवार को 1 करोड़ मिलना चाहिए, यही हमारे मोर्चा की डिमांड है। जबकि दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान पहले ही कर चुकी है। बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को 1 करोड़ रुपए की राहत राशि परिवार को देनी चाहिए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देनी चाहिए। दिल्ली सरकार इस मामले में न्यायिक जाँच कराने का आदेश दे चुकी है। सौबात की बात है कि दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, क्योंकि पीड़ित बच्ची के घर वालों ने पुलिस पर शुरुआती जांच में लापरवाही का आरोप लगाया था और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के मदद है, जिसके बाद दलित समुदाय के संगठनों ने बच्ची के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की तो बीजेपी ने उसका समर्थन किया और मुख्यमंत्री केजरीवाल को घेरने उनके घर निकल पड़ी।